बच्चों बच्चों जो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें अभी कुछ स्टेप्स रह गए थे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं देखो बच्चों हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया था एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई यहाँ पर एम ओ इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्ट लेंस एंड एम ई इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई लेंस अब देखो यहां पर बच्चों अगर हम एम की वैल्यू लें तो एमओ एम ओ इक्वल टू होता है क्या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ए डैश बी डैस क्या है हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज फोर्म बाई ऑब्जेक्ट लेंस टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज इक्वल टू एम ओ और एम की बात करें तो एम इज इक्वल टू ए टू डैश बी टू डैश अपॉन ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज ए टू डैश बी टू डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाई आई लेंस एंड टू द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्ट लेंस क्योंकि यहाँ पर जो इमेज थी ऑब्जेक्ट लेंस ने जो इमेज बनाई थी वही इसके लिए कैसे सर्व करी थी एज ए ऑब्जेक्ट ठीक है तो इस दोनों इक्वेशंस की वैल्यू ये है अब देखो अगर हम इनकी वैल्यू इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू एम और एम की वैल्यू एक जो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस की फॉर्म में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस क्या होता है तो एम की वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ वी ओ इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज और यू ओ इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसी तरीके से एम ई -E की वैल्यू क्या हो जाएगी एम ई इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाई आई लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईलैंस ठीक है अब देखो बच्चों हम यूज करेंगे लेंस इक्वेशन फ्रॉम लेंस इक्वेशन लेंस इक्वेशन आप जानते हो लेंस इक्वेशन क्या होती है लेंस इक्वेशन इज वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वीई इक्वल टू वन अपॉन एफ ई ये लेंस इक्वेशन हमने यूज की फ्रॉम लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस इक्वेशन ऑफ लेंस अब देखो ये जो इक्वेशन है लेंस इक्वेशन जो मैंने लिखी आपके सामने इस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उन सब में हम ई e से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग टर्म ऑफ द इक्वेशन बाई वीई यहां पर मैं कर देता हूं वीई अपॉन यू ई प्लस वीई अपॉन वीई इक्वल टू वीई अपॉन एफ ई देखो बच्चों ये वी ई अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इसकी वैल्यू हो जाएगी वन और ये जब हम इस इक्वेशन को कैसे बन जाएगी वी ई अपॉन यू ई प्लस वन इक्वल टू वी ई अपॉन एफ ई ये इक्वेशन बन जाएगी अब जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी वी ई अपॉन यू ई इक्वल टू ये जो वन है इसको हम इधर ले जाएंगे ये इक्वेशन बन जाएगी वी अपॉन यू ई इक्वल टू वन माइनस वी ई अपॉन एफ ई ये वाली इक्वेशन रीअरेंज करके ये इक्वेशन बन जाएगी ठीक है अब देखो ये जो बच्चों ये इधर है ये वी ई अपॉन यू ई ये क्या है ये एम ई e. वी अपॉन यू ई इज इक्वल टू एम ई एम ई मीन्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आईलैंड तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं एम ई एम ईक्वल टू हो गया वन प्लस वीई अपॉन एफ ई ठीक है वन प्लस वी अपॉन एफ ई अब देखो मैंने बताया था आपसे कि हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इसको कि जो फाइनल इमेज बनती है फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तो जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंट विजन तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर वी ई से डिनोट किया है यह वीई इक्वल टू हो गया वी ई इक्वल टू हो गया माइनस डी ठीक है वी इक्वल टू हो गया माइनस डी यहां पर ये यह यहां पर माइनस का साइन आएगा वी इक्वल टू हो गया माइनस डी अब जब हम इसकी यहां पर इधर कर देता हूं मैं जब ये वैल्यू हम यहां रखेंगे इसमें वीई e की जगह किसको किससे रिप्लेस करेंगे v, v e को किससे रिप्लेस करेंगे हम माइनस डी माइनस डी से लीज डिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग विजन तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम ई इक्वल टू यहां पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम इक्वल टू वन प्लस वी जगह क्या हो जाएगा डी वन प्लस डी अपॉन एफ वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये इक्वेशन बन गई हमारी ठीक है अब देखो ये इक्वेशन जो है ये एम ई की वैल्यू हो गई ठीक है अब ये अब अब इस इस इक्वेशन पे लौट के हम आते हैं जो हमने डिराइव की थी यहाँ पर एम ई e की वैल्यू हमने ये निकाल ली तो ये इस इक्वेशन में एम ई e की वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई की जगह रख देते हैं ये वन प्लस डी अपॉन एफ ई वन प्लस डी अपॉन एफ -E. ठीक है तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रो माइक्रोस्कोप एमओ इक्वल टू होता है किसके एमओ इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ तो अब एमओ में एमओ की ये वैल्यू रख देते हैं यहां पर एमओ इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ वी ओ अपॉन यू ओ एमओ इक्वल टू इनटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई ठीक है बच्चों ये हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की एक्सप्रेशन हो गई बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज़ वेरी शॉर्ट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज वेरी शॉर्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज ए बी इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस तो उससे क्या हो जाएगा यू ओ जो ऑब्जेक्ट का रजिस्टेंस था वो इक्वल टू हो जाएगा किसकी एफ ओ के फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस ठीक है एंड जो वी ओ है वी ओ इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जब फाइनल एडजस्टमेंट होता है फाइनल इमेज बनती है तो वी ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ठीक है जिसको हम डिनोट करते हैं एल से तो वो जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी अभी कौन सी ये वाली इक्वेशन एम इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई ये वाली इक्वेशन डिराइव की थी हमने तो इस इक्वेशन में हम वी ओ और यू ओ की वैल्यू रख देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी एल अपॉन इक्वेशन बन जाएगी हमारी एल अपॉन एफ ओ इन वन प्लस डी अपॉन एफ ई ठीक है बच्चों ये हमारी इक्वेशन बन गई मैग्निफिकेशन की लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की फॉर्म में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की फॉर्म में तो ये आपकी जितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे सबको हम डिराइव कर चुके आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें दो तीन बार रिवाइज़ करें तो आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे ओके थैंक यू